टेस्टी में कुछ ज्यादा टफ है क्या? चलिए नहीं सर बिल्कुल, नहीं तो सर नमस्कार, टफ नहीं है, कल्पेश जी से हम मिल चुके टफ नहीं हैं। है। सुमित सर कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, और हमारे साथ विश्व रंजन जी हैं, कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कुछ समझ आया सर आज के सुबह के सेशन से? सुबह यहाँ सर वो तो समझ में आया सर, बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया, आगे कंटिन्यू क्यों नहीं। करेंगे। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। फर्स्ट बहुत बढ़िया। सुब्रत जी कैसे हैं आप? क्लास सर। बहुत बढ़िया। युवराज कैसे हैं फर्स्ट आप? क्लास, फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। मेहुल जी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, कैसे हैं आप? हाँ सर, मजे में सर। चलिए बहुत बढ़िया, मजे में रहिए सर। वीडियो ऑन करें तो हम भी मजा थोड़ा सा देखें। हाँ सर, कर रहा हूँ। कोई बात नहीं क्या सर, अगर पता, अगर सर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन ना ना ना, चलता कोई है बस। कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, वो हो नहीं रहा है। कब का लॉग इन ही अभी हुआ, कब का ट्राई कर रहा था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर आप। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आप सबको बता दूं कि अब इस सेशन में जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो अब रेफर अगर करना भी है तो अगले के लिए कीजिएगा, अब इस सेशन में ज्यादा नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल सेशन में पैक्ड हो चुका है। क्योंकि इससे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस पे इंडिविजुअल, क्योंकि आगे जितने भी पार्ट चलेंगे ना, वहां हम इंडिविजुअल फोकस करेंगे। बहुत जरूरी है इंडिविजुअल फोकस करना। और दो सीट हमेशा हम रखते हैं अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपको भी अगर सेशन में कुछ नहीं समझ आए तो आगे आप भी सेशन में, किसी सेशन में एनरोल हो सकते हैं। अगर वो सीट हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग तक रहती है तो हो सकता है हम किसी को एनरोल करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि बैच अब उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पे उनको पीछे का समझने में दिक्कत आ जाएगी, अगर आगे नहीं पकड़ पाए तो। वो तो इसलिए हम किसी नए स्टूडेंट को इसमें अब एनरोल नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। आज के सेशन में आप लोगों को एक लिंक भेजा गया था अपने अकाउंट को, लोगों ने, आप लोगों ने चेक किया वहां पे? यस यस सर, जी सर, बिल्कुल सर, आपने एक्सेस कर लिया, सबका यूजर नेम पासवर्ड चल रहा है? यस सर, जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेहुल जी अगर आप इसको रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, शायद आप लॉग आउट कर गए हैं, लेकिन अगर मेहुल जी रिकॉर्डेड मोड में इसको देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने अपनी जो डोमेन के लिए और होस्टिंग के लिए जो ईमेल एड्रेस आईडीएम के साथ साइन अप के दौरान डाली थी, वो आपकी आउटलुक वाली ईमेल एड्रेस है। चलिए आ ही गए तो इनको मैं मैसेज दे ही देता हूं। मेहुल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? मेहुल जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर। सर आपने जो अपना आउटलुक वाला ईमेल एड्रेस auralifescience@outlook.com शायद जो ईमेल एड्रेस यूज किया था, हाँ आपने हर जगह आईडीएम में वही वाली ईमेल एड्रेस डाली हुई है, तो उस पे ईमेल जा रही है सर सारी, वो चेक कीजिएगा। आरओ लाइफ साइंस में, ठीक है सर। आउटलुक वाली तो आपका होस्टिंग का डिटेल भी उस पे गया हुआ है। ओके सर, प्लस आप लोगों के सामने अकाउंट्स थे। आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आप लोगों के सामने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा कि मैंने आप लोगों का अकाउंट क्रिएट कैसे किया, और मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा उसके बाद मैं आपको वर्डप्रेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा कि वर्डप्रेस है क्या, ये चीज क्या है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं, वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये काम क्या करता है और हमारी हेल्प क्या करता है। हर प्रॉब्लम का एक बिजनेस आइडिया, एक सोल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके जब मार्केट में पीएचपी चल रहा था बहुत ज्यादा, कोडर्स की वैल्यू बढ़ रही थी, तो जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया जाए कि जहां पर लोगों को कोड करने की जरूरत नहीं हो। उस टाइम ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत ज्यादा चल रही थी, तो वर्डप्रेस का जन्म दिया गया जहां पर आपको वेबसाइट में कोड करने की जरूरत नहीं है, आपकी ब्लॉगिंग अपने आप बन जाएगी। ब्लॉगिंग का मतलब, जैसे लोग जो पहले ऑनलाइन बुक्स लिखते थे या फिर बुक्स प्रिंट होती थी, डिजिटल मीडिया जो नहीं था तो उस टाइम प्रिंट मीडिया था, बुक्स मैगजीन्स प्रिंट होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारा डिजिटल मीडिया हो रहा है। तो वहां जो ट्रांजिशन स्टेट था, उस ट्रांजिशन स्टेट में बहुत सारे ब्लॉगर्स फेमस हुए और आज भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं। ये सारे ब्लॉगर्स ऑनलाइन आके अपनी वेबसाइट बनाते हैं, इनको सिर्फ यही चाहिए कि ये ब्लॉग लिखें और इंटरनेट पे वो ब्लॉग आ जाए, इनको होम अबाउट अस इससे मतलब नहीं होता। तो इन्होंने वर्डप्रेस का यूज करना स्टार्ट किया और वर्डप्रेस बहुत अच्छा चल गया। इसके साथ वर्डप्रेस को जब ये लगा कि लोगों को एक्चुअल जरूरत है, तो वर्डप्रेस ने कहा भैया आज के बाद हम पैसे नहीं लेंगे, हम ओपन सोर्स हो गए। तो वर्डप्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया आज के बाद हम पैसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ रिसर्च करके आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी संस्था उसके साथ जुड़ी और उसके साथ लोग रिसर्च अभी तक कर रहे हैं, रोज नया रिसर्च हो रहा है, रोज नई चीजें आ रही हैं। मुझे चलिए, रोज नई चीजें आ रही हैं और उसके साथ साथ वर्डप्रेस आगे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और आपको समझाने वाले हजार होंगे कि वर्डप्रेस सेफ नहीं है।
ये जो वर्ड सेफ नहीं है ये लोग क्यों बोलते हैं इसको समझिएगा। आपको YouTube पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी इस बारे में। लोग क्या करते हैं, ये जितने यूट्यूबर्स होते हैं ना, इनको जैसी कोई न्यूज मिलती है वीडियो बना के डाल देते हैं, और आप जैसे लोग और हम जैसे लोग उसका व्यूज दे रहे हैं। वो अब बंदा आराम से पैसा कमा रहा है, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि भैया आप तो वर्डप्रेस यूज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, वर्डप्रेस के अंदर जो मैंने वर्ड बोला कि इसमें कोडिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि वेबसाइट में कोड नहीं हो रहा। अब जो इमेज का टैग लगाना है अभिषेक जी, वो तो IMG SRC लगेगा तभी तो इमेज दिखेगी, क्योंकि हर वेबसाइट का फ्रंट एंड सुब्रत तो क्या है, HTML है। तो अगर किसी इमेज को ब्राउजर पे दिखना है तो उसका कोड तो यही होगा ना, IMG SRC वाला। तो इसीलिए जब आप वर्डप्रेस में कोड करते हैं या फिर वर्डप्रेस जब आपको ये ऑप्शन देता है कि भैया ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इमेज को, तो बैकग्राउंड में वो कोड ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब मान लीजिए वर्डप्रेस जो मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस में स्टार्टिंग में जो बेस वर्डप्रेस है वो यही है कि आप उसमें पोस्ट बना सकते हैं। पोस्ट का मतलब एक ब्लॉग पेज बना सकते हैं, एक नया पेज बना सकते हैं। इससे ज्यादा वर्डप्रेस में बेसिक कुछ भी नहीं है। अगर हम आगे इसको समझें, आकाश जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। अगर हम वर्डप्रेस को आगे समझें तो वर्डप्रेस में धीरे धीरे एडवांसमेंट बनी और एक नई चीज आ गई प्लगइन नाम से। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जिसको कोई फिल करे और आपके ईमेल एड्रेस पे वो कॉन्टैक्ट डेटा शिप हो जाए। मतलब आपके यूजर को, जैसे मान लीजिए कल्पेश जी आपकी वेबसाइट पे कोई आया, उसने कूलर बुक किया, उस कूलर की पेमेंट हो जाए, उसके पास एक ईमेल चली जाए, आपके पास एक ईमेल आ जाए कि भैया इस फलाना फलाना बंदे ने खरीदी है, उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। ये सारी चीजें करने के लिए आपको कोड तो लिखने पड़ेंगे ना, लेकिन हमें तो कोड आता नहीं है, अब हम करें क्या। तो इसलिए वर्डप्रेस में प्लगइन्स बनाए गए। प्लगइन्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे प्लगइन्स, जैसे मान लीजिए अगर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए एक प्लगइन आता है WooCommerce नाम से, मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया। ये कुछ उसी तरीके का है जिस तरीके से आप एक ब्लैंक फोन लेके आते हैं और उसके अंदर अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और आपका फोन आपके यूजेबल के लिए रेडी हो जाता है। तो वैसे ही आप इसमें प्लगइन्स ऐड करते रहेंगे। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग रिसर्च मोड पे जब होते हैं तो वो कुछ भी प्लगइन इंस्टॉल कर रहे होते हैं। एक प्लगइन आपको दिख गया कि आपकी वेबसाइट की स्पीड इसको इंस्टॉल करने से बहुत अच्छी हो जाएगी, आपने आओ देखा ना ताओ उसको इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने से क्या हुआ सुब्रतो, इंस्टॉल करने से जो कोड उस प्लगइन ने लिखा हुआ है वो कोड आपको तो दिख नहीं रहा है। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया आपके वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोड लिख गया, जैसे आपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया IMG SRC का कोड लग गया, वैसे ही जिस भी इंसान ने प्लगइन बनाया उसका लिखा हुआ कोड अभिषेक जी आपकी वेबसाइट के पीछे लग गया। तो युवराज जी आप तो उस कोड को देख नहीं पा रहे ना, तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी विश्वा जी, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका अगर कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल्ड है आपके वेबसाइट पे जिसका कोई यूज नहीं, आपने मजे मजे में कर लिया, आपने ना उसके बारे में पता किया ना रिव्यू चेक किया, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, वो प्लगइन क्या करेगा, वो प्लगइन हो सकता है कोई वायरस इंफेक्शन हो जो आपकी वेबसाइट को खराब कर सकता है। तो आप खुद इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, आओ हमारे कोड का एक्सेस लो। इसी की वजह से वर्डप्रेस को थोड़ी सी नेगेटिविटी मिली, लेकिन मैं एज अ पर्सन एज अ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग बहुत क्लियरली आपको बताऊं, वर्डप्रेस कुछ खराब नहीं है। आज मैं आपको बोल दूं, आज मैं सुब्रतो आपको बोल दूं कि चलो जी आप अपनी वेबसाइट दूसरे किसी लैंग्वेज में बना लो, आपको .NET आता है क्या सुब्रतो जी बताइए सर, .NET आता है सुब्रतो? आपको माइक म्यूट है या नहीं कर सकते? HTML पूरा अच्छे से आता है? नहीं। चलिए जावा आती है? बिल्कुल नहीं। अब किसी और से पूछ लेता हूं, वरना वो कहेंगे सब मेरे से पूछ लो कि मेरे को क्या क्या नहीं आता है, है ना। सुमित जी आपकी एज काफी कम है, बिजनेस में है, बट मुझे लगता है कि C++ आती है? नहीं आती ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा सर, हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है फिर? हमारे पास ऑप्शन वही बचता है ना जो हमारे लिए काम इजी कर ले। ठीक। क्योंकि हम वेबसाइट डेवलपर नहीं बनना चाहते, हम अपना धंधा चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्डप्रेस बहुत राइट है। अब जब आपके पास पैसा है और आपके दिमाग में अगर ये भरा ही है कि वर्डप्रेस अच्छा नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी फिर? उसमें प्रॉब्लम होगी कि दो वेबसाइट डिजाइनर हायर कर लो और फिर .NET में कोडिंग करवा लो।
लेकिन वर्डप्रेस समझ लीजिए आपके लिए अभी रामबाण की तरह काम करेगा। बहुत मजेदार चीज है, यूज एंड थ्रो चीजें हैं जहां पर आप यूज करो और आपको बड़ा मजेदार तरीके से, ना उससे कोई लिंक है ना कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर कुछ आपको मिल रहा है। यहां पर वर्डप्रेस के अंदर बिजनेस भी बड़े हो रहे हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मैं ऐसी दिखाऊंगा जहां पर मेरे भी फ्रीलांसिंग करियर में जब हमने वर्डप्रेस की थीम्स बनाई तो लोग वर्डप्रेस में डिजाइनिंग में बड़ा जूझते हैं। वर्डप्रेस में डिजाइनिंग में लोग यही डिसाइड करते रह जाते हैं कि मेरी वेबसाइट ऐसी लगेगी, ऐसी लगेगी, ऐसी लगेगी। ध्यान दीजिएगा, आज इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिजाइनिंग एक वेबसाइट के ऊपर कस्टमर को चाहिए क्या, एक वेबसाइट के ऊपर कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए अच्छे तरीके से चाहिए, दैट्स इट। एक कस्टमर मान लीजिए अभिषेक जी का नंबर ढूंढ रहा है, या एक कस्टमर ऐसे आर्किटेक्ट को ढूंढ रहा है जो बहुत क्रिएटिव हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहा हो, तो मान लीजिए उसको सुब्रतो की वेबसाइट मिल गई। सुब्रतो आपने अपनी वेबसाइट में 10 लोगों की फोटोग्राफ डाल रखी है, अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है, सर कस्टमर को वही चाहिए ना। कस्टमर को आप क्यों राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले जाओगे वहां घुसा के, इतनी एनिमेशन देने की जरूरत क्या है। सिंपल, बहुत मजेदार तरीके की वेबसाइट जो लॉजिकली है, लेकिन लेकिन आज जो लेटेस्ट वेबसाइट है उस वेबसाइट को देखने का दम होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लग रही है तो लोगों को लगेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। आप वही जीन्स मॉल में जाते हैं, एक रेड टेप के शोरूम से खरीद के लाते हैं, और वही जीन्स आप जाते हैं एंड लिवाइस के शोरूम से खरीद के लाते हैं। मान लीजिए कपड़ा एक ही है, कपड़े में डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन मान लीजिए कपड़ा एक ही है, फिर भी आप लिवाइस को ज्यादा पैसा दे देंगे, रेड टेप को कम देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है तो जूते बनाने वाली कंपनी है, ये जीन्स क्या बनाएगी यार, क्योंकि हम इंडियंस ने उसका जूता ही सुना हुआ है, हमने जीन्स सुनी ही नहीं उसकी। सो कहीं ना कहीं जो दिखता है वो बिकता वाली बात है, इसलिए वेबसाइट अच्छे से बनानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि कस्टमर के लिए वेबसाइट बस डिजाइन 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 पागल हो जाओ, नहीं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाइए, दैट्स इट। और अच्छे से दिखाने के बहुत अच्छे तरीके हैं। मैं सिंपल एक शब्द में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दूं उसका भी वही मतलब है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को बहुत डिजाइनिंग तरीके से लिख दूं वो भी वही मतलब निकालेगा। लेकिन बस अगर डिजाइनिंग तरीके से है तो वहां वो ये दर्शा रहा है कि जिस कंपनी से वो बात करने जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसको डिजाइनिंग में भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप Amazon का डिजाइन देख लो ना, Flipkart का डिजाइन देख लो ना, वो फोकस करते हैं कि मिनिमम क्लिक्स में कस्टमर को रिजल्ट कैसे मिल जाए। उनका फोकस ये नहीं होता कि वेबसाइट सुंदर कितनी लग रही है ना अभिषेक जी, यही है ना। Amazon की वेबसाइट आप देखो, Flipkart की वेबसाइट देखो, मिनिमम क्लिक्स में कस्टमर को अपना आंसर कैसे मिल जाए। सुब्रतो एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे कस्टमर को जब हम अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं तो उस पेज पे, जिस पेज पे हम लेके आ रहे हैं, वो पेज उस कीवर्ड के बेस पे होना चाहिए, मतलब उस बारे में इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, तभी काम होगा। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने आपके जितने अकाउंट हैं वो सारे अकाउंट्स बनाए, और जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे मैं भी अपना अकाउंट ऐड करूंगा, और हम सारे मिलके साथ में काम करेंगे। कैसे काम होगा, जिनकी वेबसाइट बन गई है या जिनकी होस्टिंग, सुब्रतो आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया सर? हाँ सर। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, लॉगिन करके देख लिया? ये टेम्पररी वाला नहीं जो आपने अकाउंट परचेस किया हुआ है वो? हाँ हाँ, उस पे कुछ कुछ मैं पूरा फैला रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अभी आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जब वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो मैं पहले 3 दिन आपको वर्डप्रेस का बेसिक स्टैंडर्ड सिखाऊंगा, बिना किसी प्लगइन के, बिना सारी चीजों के, कि डिजाइनिंग टूल में आपको नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद हम आपको एक डिवी बिल्डर देंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज उस पर भी होनी चाहिए। मान लीजिए अभिषेक जी कलो के कस्टमर आ गया, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है डिवी बिल्डर खरीदने के लिए, कहां से करेंगे, यहां तो कोर्स के साथ मिल गया है ना। तो इसलिए जरूरी है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वर्डप्रेस में काम कैसे होता है। और जो मैं आपको बता रहा था वर्डप्रेस के अंदर बिजनेसेस, बहुत सारे प्लगइन्स, जैसे मान लीजिए बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइन बनाना है
तो किसी डिजाइनर ने उसको बना दिया और वर्डप्रेस का टेम्पलेट बना के चढ़ा दिया इंटरनेट पे कि भैया सीधा इसको डाउनलोड करो, अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करो, काम खत्म। वर्डप्रेस इसलिए भी फेमस है, बहुत सारी थीम्स हैं। अगर आप कोई थीम परचेस करते हो, सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आगे समझ में आएंगी वर्डप्रेस किस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहले चलते हैं कि हम अकाउंट जीबी बिल्डर भी जो काम करेगा वो वर्डप्रेस के बेस पे काम करेंगे या वो पूरा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आई एम रियली सॉरी सुब्रतो। आई एम सेइंग कि डीबी बिल्डर जो काम करता है उसकी वो भी वर्डप्रेस के ऊपर बेस करके काम करता है या वो कुछ अलग, वो एक प्लगइन की तरीके से है। अच्छा, तो आपके जो वर्डप्रेस में जो आप पोस्ट वोस्ट बनाते हैं ना उसकी डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है और आपको डिजाइनिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको करके दे रहा होता है। ओके। वो डिवी का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो एलिमेंटोर है। ये एक पेज बिल्डर है। मैं एक बार अपने होस्टिंग में लॉग इन कर लूं एंड देन विल सी कि मैंने कैसे आपका अकाउंट बनाया, किस तरीके से क्रिएट किया। ऐसा कोई यहां पे है जिसका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ है अभी? मैं मेरा मेहुल जी, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। सर चेक कीजिए शीट को प्लीज, कोई शीट किसी के सामने खुली हुई है अभी? यस सर, मेरे में है। मेहुल जी का एक बार अकाउंट चेक कीजिए, वहां पे दिख रहा है कुछ इनका? मेहुल जी आपका अकाउंट क्रिएटेड है, सबसे लास्ट देखिए आपका अकाउंट है। और वैसे मेहुल जी आपका जो मेन जो आपका होस्टिंग है वो भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये टेम्पररी अकाउंट्स हैं, ये सिर्फ आपको सीखने के लिए दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है अभी आपको रीजन धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि आप लोग क्या है एक्साइटमेंट में आप स्टार्टिंग में अपने डोमेन को कुछ भी बना के खराब करने लगोगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप जो भी काम करो वो फर्स्ट स्टेज में गूगल के साथ कुछ नेगेटिव इंप्रेशन हो, इसीलिए हम आपको टेम्पररी डोमेन्स देते हैं कि 3 दिन यहां सीखो, उसके बाद अपने मेन डोमेन पे आओ। जो लोग इसको सीखने के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं पूरे सेशन तक ये डोमेन आपके साथ रहेगा, ये यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं सीखने के लिए। मेहुल सर आपका है? अच्छा, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं वही देख रहा हूँ मोबाइल में। सर सबसे लास्ट देखिए मेहुल, नंबर 8 है आपका। सर मेरा भी नहीं है। आपका कृपया सर, आपका भी है? हाँ है सर, मिला है। कहाँ देखना, कहाँ है सर? व्हाट्सएप में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए सर। मैं एक बार अपने अकाउंट में लॉग इन कर लूं सर, तब तक आप लोग अपने लिंक को चेक कर सकते हैं। पांचवा नंबर है सर। सबका है। ये हम अपने स्क्रीन पे लॉगिन कर चुके हैं, सारे लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, हम अपने स्क्रीन पे लॉगिन कर चुके हैं। और यहाँ पर विश्वरंजन जी और सुमित जी, आप दोनों के लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा, बट यहाँ पे इस चीज को कवर कर लिया जाएगा। जो वीडियोस आपको मिली हैं प्लीज उन वीडियोस को कवर कीजिए और उन वीडियोस को देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे सपोर्ट टीम पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। सर क्या स्टार्टिंग से स्क्रीन पे लॉगिन हो सकते हैं? सर बिल्कुल, ये देखिए जैसे ही आप सी पैनल में लॉगिन करेंगे सी पैनल में यही दिखेगा। लेकिन सी पैनल में कहां से जाना है वही पूछ रहा हूं सर। सर सी पैनल में आपका जो डोमेन है ना, जो भी आपका डोमेन होता है आपको लिंक के अंदर ये मिला होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके डोमेन के ऊपर जाके दिखा देता हूं सर। आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर। मैं बिल्कुल कर रहा हूं सर, मैं आपके सी पैनल में एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूं सर। आपका सी पैनल डॉक्टर ऑनलाइन, चलिए ये आपकी वेबसाइट है सर।
सर डॉक्टर होमलाइन डॉट नेट यही है ना सर? हाँ यही है, कोलन डालेंगे एंड 2082 जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पहले बताया था। ये सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड आ गया, यहाँ पे सी पैनल का यूजर नेम। सर मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ कर लूँ, उसके बाद मैं जरा एक बार निकाल सकता हूँ होस्टिंग से क्या है। वैसे मेरे पास ये होगा नहीं, अगर आपको आपको मेल आ चुका मेहुल जी, आपने चेक कर लिया है? नहीं सर मैंने चेक नहीं किया है कि मेरा प्रिविलेज मेल आईडी है, मैं घर पे चेक नहीं कर सकता, ऑफिस में ही कर सकता हूं। ठीक है चलिए, आप जैसे ही उस पर एक बार लॉग इन कर लेंगे हमारे एंड से इसका एक्सेस हट जाएगा। सो अभी शायद आपने चेक नहीं किया, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ और ये देखिए ये हम सी पैनल पे लॉग इन कर गए। ठीक है सर? हाँ। यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है? ये वर्डप्रेस ऐप इंस्टॉलर। वर्डप्रेस नीचे एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक नहीं कीजिए। हाँ। ये स्क्रिप्ट्स हैं। हाँ। यहां पे क्लिक करना है हमें, इधर ये रहा। हाँ, सॉफ्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे वर्डप्रेस के ऊपर चूज करेंगे। हाँ। यही सेम स्क्रीन मैं अपने एंड पे यहां पे ले आता हूं और ये देखिए अब समझ आ गया सर। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस, इस पे मैंने क्लिक किया, अब सिमिलर है सर। चलिए अब मैं वर्डप्रेस पे लॉगिन कर रहा हूँ और वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल, देखिए जितने भी वर्डप्रेस हमने लॉगिन कर रखे हैं सारे हमें ऑप्शंस दिखा रहा है, जो भी आप लोग के अकाउंट बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं भी अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ, सेम उसी डोमेन पे बनाता हूँ जिस डोमेन पे आपने आप सबको मिला है। ये रहा idmonline.net और यहाँ पे मैं प्रभाकर टाइप कर लेता हूँ। ये मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूं। अभिषेक जी बहुत क्लियर है इस चीज पे? चलिए यहां पर एडमिन में जो भी पासवर्ड डालना चाहता हूं मैं पासवर्ड डाल लेता हूं अपना। और मैंने कुछ नहीं किया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। और ये अब इंस्टॉल हो रहा है। ये कर क्या रहा है? ये बैकहेंड में, सुमित जी पटेल जी, ये बैकहेंड में मेरा एक डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा है, प्लस ये मेरी कुछ फाइल्स को रेडी कर रहा है जी। और इसके साथ यहां पर अब क्या है, जैसे आप एक नया फोन लेके आते हैं उस फोन के अंदर आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, सेम उसी तरीके से मैंने होस्टिंग खरीदी और होस्टिंग खरीदने के बाद वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। क्लियर है सुमित जी इस पे? जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए ये मेरी वेबसाइट का नाम हो गया। अब अगले 3 दिन तक आप टेम्पररी डोमेन पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जिस जिसने अपना डोमेन और होस्टिंग परचेस की हुई है वो उस पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 3 दिन तक आप इसी पे काम करेंगे। ओके सर। यहां देखिए ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का लिंक क्या हुआ, idmon.net/prabhakar। ये मेरी वेबसाइट है और ये देखिए वर्डप्रेस जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हैं कुछ इस तरीके की चीज आपको दिखती है। इसको लॉगिन करने का तरीका वर्डप्रेस में, अब देखिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे उसके एडमिन में तभी तो उसको मैनेज कर पाएंगे ना। तो मैनेज करने का तरीका क्या है, wp-admin आप लिखेंगे और आप पहुंच जाएंगे अपने वर्डप्रेस के लॉगिन विंडो में जहां से आप एज अ एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। यहां पे मैं लॉगिन कर लेता हूं। चल सर आपका वॉइस। हेलो सर आपका वॉइस नहीं। सर आप म्यूट हो सर, वापस सर अभी क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए सो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जब मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद एडमिन पोर्टल में, तो डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप युवराज जी, आप अपने बिजनेस के पूरे आर्किटेक्चर को देखना चाहते हैं कि सेल्स कितनी हुई, कितना पैसा लगा, मार्केटिंग में कितना लगा, आपने जो शिपमेंट की उसमें कितना कॉस्ट लगा, ये सारी चीजें देखने के लिए आप अपना एक डैशबोर्ड बनाते हो। वैसे ही वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब एडमिन का होम पेज जहां से सारी चीजें उसको परफॉर्मेंस दिख रही होती है। वैसे इस डैशबोर्ड का और कोई काम नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए डैशबोर्ड है और कोई काम नहीं है, सारे स्टेप अलग अलग होंगे। अब समझाता हूं यहां पे कि ये जो डिजाइन है, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। जब भी आपको अपना डिजाइन चेक करना है या डिजाइन देखना है,
कि ये कस्टमर कैसे आपका डिजाइन देखेगा। देखिए अगर मैं इस वेबसाइट का, ये हमारी वेबसाइट का मेन पेज है, यही है ना इतना लिंक, अगर मैं इस डिजाइन को चेक करना चाहता हूं तो एक नए टैब में डालूंगा तो मुझे इस ब्राउजर के अंदर मैं लॉग इन हूं वर्डप्रेस में, इसीलिए मेरे को टॉप में ये माय ब्लॉग कस्टमाइज ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये वो लुक नहीं है जो कस्टमर को दिखेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और इनकॉग्निटो मोड, जिसको इनकॉग्निटो मोड नहीं पता है प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा बिल्कुल भी मत। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि प्रभाकर का मतलब क्या होता है वो भी पूछ लीजिए। अगर ये भी नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं चाइना से, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर नहीं पता तो दिमाग में मत रखिएगा, बस यहां वोमिट कर दीजिएगा, मैं साफ करने के लिए रेडी हूं आपकी उल्टी, लेकिन कीजिए। सो यहां पर देखिए, ये मैंने इसलिए इनकॉग्निटो मोड में यूज किया क्योंकि यहां पर जो वेबसाइट मैं देख रहा हूं वो वेबसाइट बिल्कुल उसी तरीके से दिख रही है जैसा एक कस्टमर देखिएगा, तो इसलिए मैं इनकॉग्निटो मोड यूज कर रहा हूं। अब यहां चलते हैं आगे, और ये है मेरा डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में दो चीजें हैं, वर्डप्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है पेज और एक होता है पोस्ट, याद रखिएगा, एक होता है पेज एक होता है पोस्ट। दोनों सामने वाले के लिए, जैसे मान लीजिए मेहुल जी आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और सुब्रतो आप वर्डप्रेस के मास्टर हैं, तो आपके लिए पोस्ट और पेज डिफरेंट हो सकता है सुब्रतो जी, लेकिन मेहुल जी देखने वाले को कभी नहीं पता लग सकता कि वो पोस्ट है कि पेज है। देखने वाले के लिए सब कुछ एक पेज है, ठीक है सर। बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ये एक वेबसाइट है सर। एक सवाल है बट उसको पोस्ट और पेज बोलते क्यों है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वही समझा रहा हूं सर, अभी बिल्कुल वही समझा रहा हूं। ये जो वेबसाइट आप लोगों के सामने है, ये वेबसाइट इसी तरीके की वेबसाइट मैं आपको रेडी करना सिखाऊंगा सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में इस टाइप की वेबसाइट आप रेडी कर सकते हैं जिसपे गूगल के एड चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। देखिए गूगल का एड चल रहा है, जो यहाँ पे क्लिक करेगा मुझे पैसा मिल जाएगा इसका। ये देखिए यहां पर ये डिजिटल डिजिटल कोर्स वाले मेरे को ऐड क्यों दिखा रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बेचारे बिना गलत टारगेटिंग कर रहे हैं ये। तो यहां देखिए, यहां पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं मैं इस वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, ये मैं पैसा कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा इसकी बात भी करेंगे। यहां पर ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये जो दिख रहा है ये क्या है मेहुल जी, ये पेज है ना एक, ये एक पेज है। इस पेज में ये छोटी छोटी न्यूज है ना, जैसी मैं इस न्यूज पे क्लिक करता हूं, जैसी मैं इस न्यूज पे क्लिक करता हूं, तो जिसको वर्डप्रेस की नॉलेज है उसके लिए ये पोस्ट है, मतलब एक पेज के अंदर पोस्ट डाले जा सकते हैं। पोस्ट का मतलब रेगुलर अपडेट, जो ब्लॉग्स बनते हैं ना ब्लॉग्स, मतलब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन डाली कि भैया देखो आज मैंने ये केमिकल रिसर्च किया है और हमारा ये नया प्रोडक्ट है, तो आप उसको पोस्ट के तरीके से डाल सकते हैं। पेज का मतलब है जैसे अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये चीज ये वर्डप्रेस ने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। वर्डप्रेस से बाहर पेज और पोस्ट जो है वो दोनों एक ही है, लेकिन बस यहां समझने के लिए दोनों चीजों को अलग कर दिया गया है कि पेज और पोस्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस ये हैं कि पोस्ट के अंदर आप कॉमेंट सेक्शन डाल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल इसके नीचे मैं जाता हूं तो यहां देखिए नीचे कमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, मतलब कोई भी अगर आपका पोस्ट पढ़ रहा है तो नीचे कमेंट डाल सकता है। आप इसको दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, और ऑफ करना चाहते हो ऑफ भी कर सकते हो। और पेज के अंदर ये ऑप्शन नहीं होगा, पेज के अंदर डिजाइनिंग को लेके काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस दिए जाते हैं और पोस्ट के अंदर नहीं दिए जाते, क्योंकि पोस्ट आपका जो मेन हेडर और फुटर है उसी को कैप्चर करता है, बाकी सब डिजाइनिंग सेम रखता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको और ज्यादा क्लियर होंगे आगे जब हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे। अभी मैं आपको एक पेज भी बना के दिखाऊंगा, एक पोस्ट भी बना के दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड है, यहां पर अगर मुझे एक नया पेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, यहां ऊपर स्टार्टिंग से ऑप्शन से क्लिक करेंगे, ये माय ब्लॉग है,
ये माय ब्लॉग कुछ नहीं है, आपका जो ब्लॉग है उसका कोई नाम अभी तक आपने नहीं दिया, इसलिए माय ब्लॉग लिखा हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे मेहुल डाल दीजिए तो आपका यहाँ माय ब्लॉग की जगह मेहुल दिखेगा। कैसे डालेंगे समझाऊंगा। इसके बाद वन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि कितने अपडेट्स आपकी वेबसाइट में आए हुए हैं बिना मुझसे पूछे या बिना हमारी सपोर्ट टीम से पूछे। किसी भी अपडेट पे मत क्लिक कीजिएगा। ये जीरो जो दिख रहे हैं, ये जितने लोगों ने कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे डाले हैं या पोस्ट पे कमेंट डाले हैं वो सारे कमेंट आपको यहां दिखेंगे। लेकिन अगर पोस्ट में आपने कमेंट ऑफ कर दिए, मान लीजिए जैसे आप अभिषेक जी, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाएंगे या फिर मेहुल जी आप अपने प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाएंगे, तो आप पोस्ट तो चाहते नहीं है ना वहां पे। आप तो चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें आ जाए, पोस्ट तो नहीं चाहते। तो कमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, जैसे आकाश जी आप एज अ ब्लॉगर काम करने वाले हैं, तो आपके लिए तो पोस्ट पे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं किसी ने आपको गालियां दी हैं, किसी ने आपको प्यार किया है, आप उसके बाद उसको अप्रूव करना चाहते हैं तो दिखेगा, डिसअप्रूव करना चाहते हैं नहीं दिखेगा। इसके बाद न्यू, न्यू में आपके पास पोस्ट है, मीडिया है, पेज है और यूजर है। सबसे पहले पोस्ट पे चलते हैं, न्यू में पोस्ट बनाते हैं और पोस्ट कैसे दिखेगा दिखाता हूं अभी मैं, और आपको बड़ी मजेदार चीज दिखाने वाला हूं इस पे। मैं 2-3 पोस्ट यहां बनाऊंगा और फिर हम काम करेंगे उसके बाद। ये बेसिक वर्डप्रेस है, इसमें कोई भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल नहीं किया गया है, ये सिंपल बेसिक पोस्ट है। यहां पे मैं टाइटल डाल रहा हूं, ये मेरे से पूछ रहा है एड टाइटल, इसका मतलब पेज का नाम लिखो जी। एड टाइटल का मतलब पेज का नाम लिखो, तो मैं यहां पे पेज का नाम लिख देता हूं पोस्ट वन। क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन नहीं आता सर? इसमें जैसे अभी एड टाइटल हमने लिखा पोस्ट वन जी, यहाँ पे जो टाइटल जो HTML की टाइटल है दोनों डिफरेंट है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, मैं चाह रहा था ये क्वेश्चन आए। थैंक यू जसवाल जी। सो वर्डप्रेस के अंदर जो भी सर, आप टाइटल डालेंगे चाहे वो जी कुछ पूछ रहे हैं सर, सर जो पूछे और एक बार जानना चाहता हूं, जा देता हूं। उनका क्वेश्चन है कि जो HTML के पेज का टाइटल है जो HTML में आपने सिखाया था और वर्डप्रेस में जो ये एड टाइटल बोल रहा है, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग है? तो मैं अभिषेक जी आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में अगर आप किसी प्लगइन को, आगे जो मैं फ्यूचर में बताऊंगा SEO के कुछ प्लगइन्स हम यूज करेंगे, अगर उन प्लगइन्स को आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप यहां पे जो पोस्ट वन लिखोगे ये आपका टाइटल ही बन जाएगा। दिखाता हूं कैसे। इसके बाद यहां पर मैं पोस्ट वन में एक काम करता हूं, यहां पर कुछ कॉन्टेंट लिख देता हूं। अभी के लिए मैं कॉन्टेंट लिख रहा हूं, इमेज कैसे आएंगी ये सारी चीजें समझाऊंगा। ये देखिए ये है वर्डप्रेस का, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि ये इसका बैकग्राउंड कोड क्या लिखा जा रहा है, देखते हैं क्या हमें बैकग्राउंड कोड समझ आ रहा है। देखिए क्या हमने इस तरह ये कोड देखा है पहले अभिषेक जी, मेहुल जी? हाँ, पैराग्राफ बना है सर, पैराग्राफ। अब समझ आ रहा है ना सर कि हम HTML क्यों सीख रहे थे? जी सर, समझ गया सर, बिल्कुल सर। अब और ज्यादा मजेदार चीज समझाता हूँ। अब क्या होगा सर, एक वेबसाइट वाला आपके सामने बैठा है मेहुल जी, बिना बात के आगे आपके वो ज्ञान दिए चले जा रहा है। अब यहां से वो आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा क्योंकि आपको ये पता है कि वर्डप्रेस में बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। अब यहां देखिए मैं सिंपल सा इस जगह ये प्लस का साइन आ रहा है ना बार बार मेरे पास, इस प्लस के साइन पे मैं क्लिक करता हूं और एक इमेज एड कर देता हूं। यहां पे एक इमेज देखिए, यहां पे गैलरी बना सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। ये बेसिक वर्डप्रेस है। यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखिए इंसर्ट फ्रॉम URL मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी मतलब आपने पहले से अपलोड कर रखा है वहां से उठा लो, नहीं तो अगर कोई नई इमेज अपलोड करनी है मैं नई इमेज को अपलोड करता हूँ। एक डेस्कटॉप से एक इमेज उठा लेते हैं और उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम इस इमेज को उठा लेते हैं सर, का ही फोटो ले लो, हमें उठा ही लिया सर जी। इस इमेज को हम उठा लेते हैं और इस इमेज को देखने के बाद हम यहाँ पे इस इमेज को, हम वहां पे क्या कर रहे थे, हाइट और विड्थ मैनेज कर रहे थे ना इमेज की, है ना, एट्रीब्यूट में। देखते हैं इसने कोड क्या लिखा, ये जो इमेज आ गया ये हमने कोई कोड तो नहीं लिखा, हमने सिर्फ अपलोड किया,
इसको जाते हैं और यहां पे एडिट एज एचटीएमएल करते हैं। देखिए आईएमजी का टैग देखिए, समझ आया? सेम वही चीज जो हमने सीखी थी आईएमजी, ये देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहां मैं दिखाता हूं आईएमजी, ये देखिए एसआरसी, ये जहां पे इमेज अपलोड हुई है और ऑल टैग याद है? यस सर, अगर इमेज नहीं लोड होगा तो खाली है ऑल टैग, जो कि अच्छा नहीं है, और ये कुछ क्लास व्लास इन्होंने लगा दिया जिससे डिजाइनिंग अच्छी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज का हाइट और विड्थ कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं ना, नहीं। एडिट विजुअली पे ही रहेगा, आपको इसी पे रहना है, आपको कोड वोड नहीं देखना। ये मैं आपको बस दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके चेहरों पे स्माइल आ जाएगी, एचटीएमएल में सर पागल तो नहीं बना रहे थे, है ना? तो बस इसी चीज के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, मैंने इतना कर दिया इसका साइज। अब कोड को देखते हैं, देख रहे हैं ब्रेथ और हाइट आ गया। अब समझ आया कि वर्डप्रेस हमारा काम क्या कर रहा है, वर्डप्रेस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये कोड्स हमें आते नहीं थे, इसलिए हमने वर्डप्रेस यूज कर लिया। अब यहां पर मैं इसको सिंपल कुछ नहीं करता हूं, एडिट विजुअली पे अगेन आ जाता हूं और पब्लिश कर देता हूं। देखिए पब्लिश करने का तरीका है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा। ये पब्लिश करने का मतलब जाओ जी इंटरनेट पे, पब्लिश हो जाओ, दुनिया देख ले इस पेज को। अब अगर आपको पब्लिश नहीं करना है तो आप यहां पे जाके इसको प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक ऐसा पेज बनाना चाहता हूं जिसको वही लोग देख पाए जो पासवर्ड मेरे बनाया हुआ पासवर्ड डाले, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाल दूंगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा, जब तक वो इंसान पासवर्ड नहीं डालेगा उस पेज को नहीं देख पाएगा। तो युवराज जी आपके सामने आज एक टास्क है, आप एक ऐसा पेज बनाने वाले हैं जिस पेज के ऊपर हमारे क्लास की सारी सेशन की वीडियोस होंगे जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और अपने बैच में उस पेज को आप डालेंगे। ओके सर। सर मैंने तो ये आपने जो टेम्पररी आईडी दिया उस पे चेंजेस भी किए थोड़े, मतलब अभी कुछ टाइम पहले। दोबारा बताएं सर। सर आपने जो ये टेम्पररी आईडी दिया है जी, उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए अभी कुछ टाइम पहले जैसे मुझे मिला। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। So, तो यहाँ मेरा, मेरा एक क्वेश्चन था जी, बताइए सर। सर ये जो एचटीएमएल में इमेज वाला अपना टैग होता है जी जी, तो जो ऑल्ट टेक्स्ट का जो टैग है उसी में आएगा ना सर इमेज वाला? बिल्कुल सर, 100%। जब मैंने इमेज अपलोड की ना सर, देखिए इमेज में मैं क्लिक करता हूँ और जब मैं इमेज को अपलोड करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए ऑल्ट टैग का दिख रहा है सर ये, मैं जो भी यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल्ट टैग के बारे में। अब मैं इसको इमेज को जरा देखता हूँ, यहाँ देखिए आ चुका होगा वही, ये देखिए ऑल टैग के अंदर लिख दिया। क्लियर है अभिषेक जी? सर ये लिखने से क्या होता है सर? ठीक है सर, ऑल टैग को लिखने से क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और मैं वो चेहरा ढूंढ लूं जो आप ये एक्सप्लेन करेगा। क्वेश्चन किसने पूछा है? सर मैं पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया, चलिए मैं चेहरा ढूंढ लेता हूँ सुब्रत जी का। चलिए सुब्रत जी एक्सप्लेन कीजिए उनको कि ऑल टैग क्यों जरूरी है। सर ऑल टैग जरूरी है, जैसे हम जैसे आप कोई भी टैग लिखते हो जो कीवर्ड डालते हो और कीवर्ड के बाद आप उसको इमेज में सर्च करते हो, ठीक है? तो इमेज में जब सर्च करते हो तब वो आपको वेबसाइट तो नहीं दिखा सकता, बेसिकली वो इमेज इंटरनेट ढूंढ के वो एक इमेज इमेज लाके आपको दिखाएगा। तो अगर उस इमेज पे आपकी प्रॉपर नेमिंग होगा तो जी भाग गया कस्टमर इतने में। हाँ सर भाग जाऊंगा सर। भाग गया इतने में कस्टमर, उठ के भाग जाएगा। मैं बताऊं सर? बिल्कुल आ रहा हूँ सर, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मैं आपके पास नहीं आया हूँ। मेहुल जी आपके पास चलते हैं, बताइए सर, हेल्प कीजिए मेरी। सुब्रत जी एक चीज मैं बता दूं सर, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ इस तरीके की, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि सर ये मैं अपने आप को जज कर रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया है, मेरी गलती है, आपकी नहीं है। नहीं सर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। सर कंफ्यूज तो लाजमी है होना सर, आप पहली बार कर रहे हैं, मैं दिन में 8 घंटे यही कर रहा हूँ, है ना? चलिए मेहुल जी आपके पास चलते हैं, बताइए सर। ये लोग कहेंगे, लोग कहेंगे कि बिश्वा जी आ गए, ये बिना बात के आज सेशन में सबको ही पकड़ लिया। अरे नहीं सर, नहीं जरूरी है सर, आप खुद भी सीख रहे हैं। चलिए मेहुल जी बताइए, कोशिश कीजिए सर थोड़ी सी। सर इससे क्या होगा कि ऑल टैग करने से जो भी हमने पोस्ट किया है वो सारी पोस्ट एक साथ दिखेगी अपने को।
अच्छा चलिए अब थोड़ा सा मौका है, युवराज जी तो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे, तो मैं अभिषेक जी के पास चलता हूँ। अभिषेक जी समझाइए सर, ऑल टैग क्यों यूज करते हैं और क्या रीजन है? सर इसका रीजन ये है कि अगर अपनी वेबसाइट पे मैं जाके कोई भी पिक्चर लगा रहा हूँ तो किसी कारणवश वो पिक्चर नहीं दिख पा रही है यूजर को, तो वो अगर ऑल टेक्स्ट में डाल दूंगा उस पिक्चर की जगह वो टेक्स्ट दिख जाएगा और यूजर समझ जाएगा कि हाँ इसने मतलब अगर पिक्चर नहीं दिखी तो एक्चुअली इसका मतलब है क्या, मीनिंग क्या इस पिक्चर का। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक की अपनी फोटो लगी है, अभिषेक की फोटो नहीं दिख रही है तो मैंने उस पर नीचे ऑल टेक्स्ट में अभिषेक नाम लिख दिया तो यूजर समझ जाएगा कि अभिषेक की फोटो। चलिए और युवराज जी क्वेश्चन आपसे, क्या ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं जहां पे इमेज नहीं दिखे? सर फर्स्ट तो स्लो इंटरनेट हो सकता है, ठीक है, या फिर सर कोडिंग में मिस्टेक हो अगर तो इमेज नहीं दिखेगा। बहुत बढ़िया। सो विश्व जी आंसर ये है, सुमित जी आंसर ये है कि ऑल टैग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर वेबसाइट पे हमने कोई इमेज लगाई है किसी कारणवश वो इमेज कस्टमर को नहीं दिख रही, रीजन हो सकता है स्लो इंटरनेट, रीजन हो सकता है कि आप जिस जगह बैठे हैं हो सकता है आपके सिस्टम के वो ब्राउजर आपको इमेजेस लोड करने के लिए अलाउ नहीं करता है। आपने बहुत सारी इमेज देखी हैं जिसमें आपको इमेजेस नहीं दिखते और ऊपर लिखा रहता है डाउनलोड ऑल इमेजेस। तो इस तरीके की चीजों को जब कस्टमर देखता है, मान लीजिए किसी कारणवश उसको इमेज नहीं दिखी, तो सर्च इंजन कहता है कि हम उन वेबसाइट्स को ज्यादा अच्छा मानेंगे जिनकी सारी इमेज के पीछे ऑल टैग लगा हो, क्योंकि ये एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मीनिंग भी है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर आया है तो उसको एक ब्लैंक स्पेस ना दिखे, क्योंकि अगर ऑल टैग में कुछ नहीं होगा तो एक खाली स्पेस दिख जाएगा जब तक इमेज लोड नहीं होगी, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, और यूजर कंफ्यूज होगा भैया यहाँ है क्या बीच में। अगर हम उस ऑल्टरनेटिव टैग को लिख दें, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने बिल्कुल सही बोला, मान लीजिए कि अभिषेक जी ने अपनी फोटोग्राफ लगा रखी है और अभिषेक जी ने फोटोग्राफ लगा रखी है, फोटोग्राफ लोड नहीं हुई और ये अपने रिज्यूम पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन रिज्यूम है, तो वहां पर लिख देंगे ना अभिषेक जायसवाल पिक, तो यूजर को समझ आ गया ना कि इस जगह अभिषेक जायसवाल की पिक्चर थी, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सर्च इंजन उन वेबसाइट को ज्यादा अच्छा रेट करता है जो इस तरीके से हर इमेज के पीछे ऑल टैग लगा देते हैं, और ये एक बहुत मेजर रीजन है वेबसाइट के ऊपर या नीचे रैंकिंग में आने का, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। बिल्कुल क्लियर है सबको? सब लोग तो क्लियर है बिल्कुल। और सर एक क्विक क्वेश्चन था, नेम ऑफ द इमेज एंड ऑल टैग दोनों डिफरेंट है राइट? बिल्कुल 100% दोनों डिफरेंट है, लेकिन मैं दोनों को बुला रहा था, लेकिन नेम ऑफ द इमेज और ऑल टैग डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको ये समझाया लोग क्या करते हैं। सुमित जी और भविष्य जी, विश्व रंजन जी, मैं आप दोनों को बता दूं कि सर लोग क्या करते हैं, जब से गूगल ने रूल निकाला कि जितनी ज्यादा बार आपका कीवर्ड आपकी वेबसाइट में रिपीट होगा उतना अच्छा आपकी रैंकिंग होगी, तो लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती हर जगह कीवर्ड को घुसाना स्टार्ट कर दिया। अब ऑल टैग लिखने की जगह मिली उसमें भी कीवर्ड डाल दिया, मतलब इमेज क्या है, इमेज है अभिषेक जी की और वहां पे ऑल टैग लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी अपने रिज्यूम को टॉप में लाना चाह रहे थे, रिज्यूम वाले पेज को, तो ये गलत हो गया ना सर, ये तो मिसगाइड करना हो गया। तो इसीलिए जो सजेस्ट मैंने किया सुब्रतो वो ये किया कि गूगल ट्रैक कैसे कर रहा है कि वो अभिषेक जी की पिक्चर है ना, गूगल कैसे ट्रैक कर रहा है इमेज के नाम से। अगर हम थोड़ा सा गेम और ज्यादा खेल दें कि हम अभिषेक जी की जो इमेज हम सेव करेंगे उसका नाम ही दे दें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद सर पैटर्न मैच हो जाएगा ना, फिर गूगल हमें तंग नहीं करेगा ना, राइट? मतलब जो हमारा अप्रोच था कि ज्यादा ज्यादा बार कीवर्ड डाला है वो भी पूरा हो गया, प्लस ये भी पूरा हो गया। तो मतलब सर जो इमेज नेम है वही चेंज कर देंगे? सर इमेज नाम भी चेंज कर दो और उसे सिमिलर ऑल टैग डाल दो। ओके क्लियर है सबको? यस सर। सुमित जी हल्का सा आइडिया हुआ? हाँ हाँ सर, पहले दिन इतना ज्यादा हर एक घंटे में सेशन चल रहा है तो मुझे पता है सर ओवरलोड बहुत ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन आप पैटर्न पे जल्दी सेट हो जाएंगे। जी जी सर। चलिए आगे चलते हैं। सर मेरा ना एक हटके क्वेश्चन था कुछ। बताइए सर। बिल्कुल। मैं एक अपना डोमेन सर्च कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये ऑलरेडी मतलब यूएस की कंपनी है उसका डोमेन है, तो
इसका जो रजिस्ट्रांट नेम आ रहा है वो हु इज एजेंट आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ सर? सर हु इज एजेंट आ रहा है सर, उसने अपने डोमेन को पब्लिक नहीं किया हुआ है, जो उसने राइट्स दिए हुए ना बुकिंग करते टाइम उसने अपने डोमेन को ब्लॉक किया हुआ होगा। और कुछ डिटेल आ रही है वहां पे? बाकी तो उसका एड्रेस पर आ रहा है, वो यूएस का एड्रेस है उसका। सर एड्रेस बता रहा है मतलब रजिस्ट्रेशन नाम में क्या आ रहा है सर? हु इज एजेंट, हु इज एजेंट, तो इसका मतलब जो वेबसाइट जिसने बुक किया है ना, जो रजिस्ट्रेंट है वो हु इज जो डेटाबेस है ना, हु इज भी अपने रीसेलर्स बनाती है, हु इज भी अपने रीसेलर्स बनाती है। हु इज एक वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है इस चीज का कि डोमेन किसने बुक किया है, कहां से बुक किया है, ठीक है सर? तो वही शायद रजिस्ट्रेंट का नाम दिखा रहा होगा। क्लियर अभिषेक जी, आंसर मिल गया? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं वर्डप्रेस में आपको बड़ी मजेदार चीज एक दिखाने वाला हूं। यहां से मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, पब्लिश करके ये कर दिया। सर, अब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। सर एक क्वेश्चन। जी बताइए सर। सर आज आप जो हम लोग सेशन कर रहे थे डोमेन एंड होस्टिंग का, तो वहां पे आप बोले थे कि अगर कुछ कहां पे ये हुआ है, कहां पे ये होस्टिंग हुआ है या फिर कैसे पता करना होगा, तो वहां पे डब्ल्यू एच हुइज से कुछ वर्ड बोले थे आप? जी बिल्कुल सर, मैंने बोला था। और हुइज एक वेबसाइट है जहां पर जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि डोमेन कहां से बुक हुआ है और उसकी होस्टिंग कहां पे जा रही है। ओके, तो अभी क्या जो हुइज बोले उसके डिफरेंस कुछ है क्या? नहीं सर, वो सेम चीज है, बस उनका क्वेश्चन था कि एक डोमेन को उन्होंने सर्च किया अपने किसी फ्रेंड का, जहां पे रजिस्ट्रांट का नाम हुइज एजेंट आ रहा है, तो पूछ रहे थे हुइज एजेंट कौन है, तो मेरा आंसर यही था कि हुइज एजेंट हुइज का कोई रीसेलर होगा। ओके सर। चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं जो मेरी वेबसाइट है। ये देखिए मेरी वेबसाइट आ गई और ये मेरा एक पेज है। यहाँ पे देखिए एक पोस्ट लिखा हुआ आ गया, देख रहे हैं पोस्ट लिखा हुआ आ गया, और ऐसे ही मैं पोस्ट बनाऊंगा जैसे हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, मतलब इस पेज पे पहुंच जाऊंगा, सॉरी इस पोस्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, और जहां पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, ये इमेज डाली थी, टेक्स्ट लिखा था, ये सब आ गया। अब सर वहां पे ऑन कैटेगरी लिखा हुआ है सर, वो छोड़ दीजिए, अभी उसके बारे में बात करेंगे जरूर हम। okay, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको समझा दूं, बहुत इजी लगेगा तब। और यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं डैशबोर्ड पे दोबारा जाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको, दोबारा डैशबोर्ड पे मैं आ जाऊंगा। ये देखिए मेरे पास डैशबोर्ड है। अगर मेरे को सारे पोस्ट को देखना है तो यहां मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा और ऑल पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये सारे पोस्ट है मेरे पास। ऐसे ही मैं पेजेस बना सकता हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों के पास आती थी वो मेन्यू को लेके आती थी, मेहुल जी है ना, जो हम वेबसाइट तो बना लेंगे, पेज तो डिजाइन कर लेंगे, लेकिन मेन्यू कैसे बनाएंगे, है ना? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक पेज भी बना लेता हूँ, एक पेज बना लेते हैं हम किस कुछ भी एक आइडिया को लेके। जैसे मान लीजिए ये मेरा होम पेज है, तो मैं एक अबाउट पेज बना लेता हूँ, यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ अबाउट का, और पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर एक और चीज में जो दिखाने वाला था आप लोगों को, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल, ये पोस्ट के ऊपर चलते हैं और पोस्ट पे देखिए कंट्रोल यू करते हैं और आपको वही कोड दिखेगा जो आपने एचटीएमएल में पढ़ा था। यहाँ देखिए टाइटल, टाइटल ऑटोमेटिकली आ गया ना जो मैंने पोस्ट वन डाला था। और वर्डप्रेस क्या करता है, जो माई ब्लॉग मतलब जो मेन वेबसाइट का नाम है वो एंड में लगा देता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइटल ऑटोमेटिकली आ गया, ये हेड टैग में ऑटोमेटिकली टाइटल आ गया, नीचे आप देखेंगे आपके सामने जो भी आपको दिखाना है उसी तरीके से बॉडी भी होगी, उसी तरीके से एचटीएमएल नीचे बंद भी होगा। ये देखिए एचटीएमएल बंद है, बॉडी बंद है सर, ये पोस्ट क्या आपने जी बताइए सर, अब हमने तो 5 लाइन लिखी थी उस पे एचटीएमएल इतने सारे ले ली सर। ये सारा वर्डप्रेस का कोड है बैकग्राउंड में, क्योंकि वर्डप्रेस अपने आप में एक डायनेमिक वेबसाइट बनती है, डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये सारी कोड्स अपने आप ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, यही तो वर्डप्रेस का फायदा है सर। ये जो पोस्ट वन है वो हमारा एच वन हो गया मतलब सर? सर बिल्कुल, पोस्ट वन एच वन में ऑटोमेटिकली आ गया होगा। ओके सर, तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है सर, दोबारा बताएं सर? जो नंबर वन पे लिख रखा है डॉक टाइप एचटीएमएल,
नंबर वन पे लिख रखा है टॉप फाइव एचटीएमएल डॉक टाइप डीओसी अच्छा डॉक एचटीएमएल स्टार्ट होने से पहले ये क्या करता है ये जो नंबर वन पे ना ये जब एक सर्वर जब आप किसी डोमेन को टाइप करते हैं अपने ब्राउजर में तो वो जो ब्राउजर है वो एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा जो भी डोमेन आपने टाइप किया उसके डीएनएस में जाके चेक करेगा कि आईपी एड्रेस में कहां पड़ा हुआ है आपका होस्टिंग पे यही चेक करेगा ना अभिषेक जी तो वहां पर जाके वो चेक करेगा और चेक करने के लिए वो जैसी सर्वर पे हिट करेगा तो ये एक इंफॉर्मेशन जा रही है ये एक इंफॉर्मेशन जा रही है जैसे मान लीजिए आपके घर किसी की बारात आ रही है और आपको ये पता है कि दूल्हा लाल गाड़ी में आ रहा है ना दूल्हा लाल गाड़ी में आ रहा है ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई वैसे ही जब ये रिक्वेस्ट जा रही है तो यहां से लिखा हुआ जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एचटीएमएल टाइप डॉक्यूमेंट है जी डॉक टाइप मींस डॉक्यूमेंट टाइप जी इसको अगर हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना लेकिन ये लिखने का एक तरीका है एक सिस्टमैटिक वे है जैसे दूल्हा आपके दरवाजे पे बारात लेके आएगा ही आएगा चाहे लाल गाड़ी में आए चाहे पीली गाड़ी में आए लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई तो अगर आप घर के बाहर खड़े हैं तो एक येलो कलर की गाड़ी निकल गई तो यू आर वेरी श्योर कि भैया ये मेरे घर में तो नहीं आ रहा क्लियर है सर मेरे से कभी कभी मेरी टीम पूछती है सर ये एग्जाम्पल्स लाते कहां से हो तो मैं उनको कहता हूं कि दुनिया घूमते रहो अपने आप एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे चलिए आगे चलते हैं और यहां पर मैं आपको एक और चीज बड़ी क्विकली दिखा दूं मैं इसको कैंसिल करता हूं और यहां पे मैं आ गया मैंने एक अबाउट का पेज भी बना दिया और अबाउट का पेज बनाने के बाद मैं इस डब्ल्यू पे क्लिक करूंगा और डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा ये देखिए मैं डैशबोर्ड पे आ गया अब देखिए मैं यहां पर ये जो पेज आप देख रहे हैं जो मेरा मेन पेज था इसका जो डिजाइन आप देख रहे हैं माई ब्लॉग पे क्लिक करता हूं मैं मेन पेज पे आ जाऊंगा ये देखिए सबसे ऊपर ये मेरी वेबसाइट दिख रही है ये मेरा वेबसाइट है अगर मैं इसका डिजाइन चेंज करना चाहता हूं तो सिंपल अपीयरेंस में जाऊंगा थीम्स में जाऊंगा और दुनिया की हजारों थीम्स है मेरे पास मैं जो चाहे वो अपडेट कर दूंगा हजारों थीम्स है और करने के लिए कुछ नहीं करना है करने के लिए सिंपल यहां पर आपको चेक करना है सॉरी अपलोड पे मैंने क्लिक कर दिया मुझे अपलोड पे क्लिक नहीं करना चाहिए था मैं सीधा थीम्स पे गया अपीयरेंस में जाके थीम्स पे गया और थीम्स में जाने के यहां देखिए wordpress.org थीम्स प्रीमियम थीम्स ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं अलग अलग यहां पर अगर आप प्रीमियम थीम्स पे जाएंगे तो देखिए आपको वो सारी थीम्स दिखने लग जाएंगी जो प्रीमियम है मतलब पेड थीम्स है सारी थीम्स पहले से रेडी हैं खरीदो डेमो पे देखो बाय करो काम खत्म पीछे चलते हैं वर्डप्रेस ओआरजी थीम्स यहां पर वो थीम्स मिलेंगी जो फ्री में अवेलेबल हैं लेकिन इस थीम में ये थीम डेवलपर्स क्या करते हैं फ्री में आपको ये चीजें तो दे देंगे लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स पे आपको रोक देंगे जहां पे आप थीम खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम किसी एक थीम को ले लेते हैं मतलब वही थीम खरीदना पड़ेगा फिर पे करना पड़ेगा हाँ मतलब सर आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है तो वो थीम खरीदना पड़ेगा जैसे मैंने इसको किया कुछ नहीं किया मैंने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट कर दिया सर जी बताइए सर सर जैसे ये थीम फ्री वाली है इसको मतलब एचटीएमएल आता हो तो इसको एडिट कर सकते हैं क्या सर 100% कर सकते हैं सर क्यों नहीं कर सकते आपको मैंने सिखाया है इसलिए सर अभी आगे देखिए क्या क्या होता है सर ये जो एचटीएमएल सीखा है वो बर्बाद नहीं जाने वाला मेरे सेशन में सिर्फ एक ही बार पैसा देना है फीस का सर और किसी चीज का पैसा नहीं देना होता मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे आप एचटीएमएल में ये कर लेंगे आप थीम वाले ने नीचे तो लिख दिया ना थीम वाले ने थीम जो बना के देगा जो फ्री में आपको देगा वो तो थीम वाला आपको दे देगा ना नीचे लिख के भैया थीम दिस इज द थीम क्रिएटेड बाय फर्स्ट सेक्शन सर डेवलपर हम फ्री में थीम यूज करेंगे उसको हटा भी देंगे एचटीएमएल से ही बिल्कुल सर देखो आकाश जी का मैंने माइंड पढ़ लिया वो कहां जा रहे हैं चलो तो ये देखिए मैंने सिंपल एक चीज को चेंज किया और मेरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है दोबारा मेरे को उसी थीम पे जाना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर देखिए मैं इसको क्लिक करना है मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा ये थीम पहले से इंस्टॉल्ड है पहले दिन है
बिल्कुल लाजमी है कंफ्यूज होना, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखिए कुछ नहीं। ये देखिए ये मेरी वेबसाइट बन गई कुछ इस तरीके, ये मेरे ब्लॉग दिख रहे हैं, ये मेरा पोस्ट वन है, ये मेरा होम बना हुआ था, ये मेरा पेज बन गया, डिजाइन इस तरीके से रेडी हो गया। तो ये सारी चीजें वर्डप्रेस में हम कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आगे क्या क्या है सारी चीजें समझाऊंगा, अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगा जहां पर आपको मैं अपीयरेंस और न्यू पोस्ट इस पैनल को अपने इंडिविजुअल पैनल को लॉग इन करके एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए। जितना कूड़ा फैलाना फैलाइए, बस किसी प्लग इन को अभी इंस्टॉल मत कीजिएगा। पोस्ट बना के देखिए, पेज बना के देखिए, जितने क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कल सेशन में हम लेंगे। याद रखिएगा जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो मैं आपको जो क्लासेस दूंगा उसमें मैं आपको बेसिक स्टैंडर्ड सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस में ये है, इस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लेके आएंगे तो रियल टाइम सपोर्ट मैं नहीं दे पाऊंगा कॉल पे आप या फिर सेशन में। तो आपके क्वेश्चन आने जरूरी है। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी, बताइए सर। आज मेरी दिन में ना मेरे किसी मतलब कस्टमर से किसी से बात हो रही थी। अच्छा, वो बेसिकली क्या है कि उससे बात हो रही थी, मैं यहीं तक रुक गया था। नहीं नहीं, अच्छा कस्टमर से बात हो रही थी। तो बेसिकली वो उसका कैब का बिजनेस है जी, तो मतलब वो चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू चंडीगढ़ उसकी सर्विसेज है, प्लस हिमाचल में भी कहीं चलाता है जी। तो वो कह रहा था कि मतलब मेरे को कहता कई चंडीगढ़ के डेवलपर है वो अप्रोच कर रहे हैं, 2500-3000 रुपए में बोल रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट बना के आपको देते हैं जी। वो कहता मेरे को मतलब उनका ट्रस्ट सा नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भी मैं मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा उसका 1.5-2 महीने का टाइम मेरे को लग गया, तो मैं आपको मैं उसके लिए सपोर्ट करूँगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे इसमें जो थीम्स वगैरह आपने बताए हैं उसका कंसेप्ट है, उसको मतलब कैब्स वगैरह का बिजनेस करना है, तो कैब्स के रिलेटेड थीम्स में उसको मिल जाएंगे? ठीक है, एक काम करते हैं सर, मुझे लगता है आप जिस सेशन में डेमो लेने आए थे ना अभिषेक जी, वहाँ पर एक स्टूडेंट थे हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, फाइल स्टूडियो में आपने शायद पहले देखी थी। मैं उसको जानता हूँ सर, भविष्य लड़के का नाम। अच्छा, आप जानते हैं इनको? हाँ, भविष्य को जानता हूँ, मेरे फोन पे बात भी होती रहती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर इनकी वेबसाइट है सर, यही चाहिए ना आपको? हाँ, कुछ ऐसे चाहिए सर। तो ये उन्होंने डीवी में बना रखा है। अच्छा, उसकी है सर ये। पहले मैं बता दूं, इस स्टूडेंट ने मुझे इतना इम्प्रेस किया, ही वॉज अ ओला ड्राइवर और इसने अपनी जॉब छोड़ के इस कोविड से पहले, कोविड आ गया थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई, इस कोविड से पहले इसने अपनी ओला कैब छोड़ी और इसके बाद अपना ट्रेवल एजेंसी स्टार्ट की और मजेदार तरीके से काम कर रहे थे। यही चाहिए ना सर आपको, इसी तरीके से कुछ चाहिए सर? बिल्कुल, ये पूरा डीवी में बनाया हुआ है, बहुत इजी। और आज इनको कॉल करके बोल दीजिएगा कि सर आपकी वेबसाइट खत्म हो गई है सर, दोबारा बनानी है। बंदा दोबारा मुस्कुराएगा और 2 घंटे के अंदर ऐसी वेबसाइट दोबारा रेडी कर देगा, और ये आप भी कर पाएंगे। ठीक है सर। सो ये थीम्स है, थीम्स आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए गाइस, अपने सेशन को यहीं तक मैं रखता हूं, और आप लोग अपने पूरे अकाउंट पे लॉग इन कीजिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, अपना जो मेन डोमेन है उसको मत छेड़िएगा। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं छेड़िए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे कोई पेज डालेंगे गूगल उसको कैश करेगा, और गूगल को हम बाद में समझाएंगे कि पहला इंप्रेशन हमेशा अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। तो इसलिए आपकी वेबसाइट हम तब बनाना स्टार्ट करेंगे जब आपको वर्डप्रेस पे थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। सर अगर उसका वो सर्च इंजन बंद करके रखे तब कोई दिक्कत नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सुब्रत जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको गूगल कैश करते कर सकता है, लेकिन उससे कोई इतना नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम उस प्लेटफॉर्म में, वो हमारा रियल डोमेन है, मैं ये नहीं चाहता ना कि मान लीजिए जैसे सुब्रत जी आपने अपने डोमेन को 10 जगह दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मैं ये नहीं चाहता कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया और वहां वर्डप्रेस लिखा हुआ दिखे, है ना? तो इसलिए उसको अभी वैसे रहने दीजिए, और 2-3 दिन के अंदर हम वहां पे जो भी कल के सेशन में या आगे आने वाले सेशन में मैं आपको एक ऐसा काउंटडाउन पेज बनाना सिखाऊंगा, जिस काउंटडाउन पेज को आप यूज करके आप ये टाइमर लगा दोगे, नंबर चल रहे हैं खटाखट खटाखट और अपडेट हो रहे हैं, और वहां नीचे लिख देना विल बी कमिंग सून।
ठीक है सर जी, बताइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ गूगल के जो अपडेट वगैरह आते हैं जी, ये पता कैसे चलेगा हमको? सर गूगल लेटेस्ट ट्रेंड्स करके वेबसाइट है या फिर गूगल अपडेट्स करके वेबसाइट है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा अच्छा, आप गूगल गूगल ऐसे भी पैर भी हिलाएगा या हाथ भी हिलाएगा आपको पता लग जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं, दो नए स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे को जानिए और समझिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट।